दोस्तों आपने इस तरह की चैलेंज वीडियो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पर बहुत सारी देखी होगी, लेकिन इनको बनाते किस तरीके से, वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले तो पिक्सेल लैब की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। इसको जैसे ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। ऊपर देख सकते हैं आपको 3 डॉट देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है इमेज साइज, इस पर आप क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से वेट और हाइट है, इनको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको 9 और यहाँ पर 16 हम कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। उसके बाद ये जो न्यू टैक्स हमें नज़र आता है, इसको हम डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से डिलीट कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू में आपको एक कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से ले लेना होगा वाइट कलर। उसके बाद आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं इस न्यू टेक्स्ट पर हमें 2 मरतबा क्लिक कर देना होगा। जल्दी से इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से हमें लिख देना होगा इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको लिख रहा हूँ। आप कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया है, आपको ज़्यादा कौन पसंद है इस तरीके से हम रखेंगे और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग करेंगे, यहाँ पर हम इसको रख देंगे। दोस्तों अब बारी आती है इसका फॉन्ट चेंज करने की। अगर इसका फॉन्ट अच्छा नहीं है तो आपकी वीडियो भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर इसमें आपने फॉन्ट अच्छा यूज़ किया है तो आपका जो वीडियो है वो भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ए वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर शुरू में तो हमें कलर का ऑप्शन आ जाता है नज़र, इस पर हम क्लिक करके इसको हम फुल ब्लैक कर लेते हैं। उसके बाद आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर हमें नज़र आ जाता है ए बी फॉन्ट, इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे फॉन्ट हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बोल्ड फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। मई फॉन्ट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर फॉन्ट ऐड करने होंगे। किस तरीके से ऐड करते हैं इस पर एक अलग से वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसे देखकर बहुत आसानी के साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जो फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं इनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इन फॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके कुछ इस तरीके से। अब देख सकते हैं यहाँ से ये जो प्लस वाला आइकन है, इस पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर हम जल्दी से 2 मरतबा क्लिक करके देख सकते हैं, इसमें हम यहाँ पर ये वाला डैश देने वाले हैं कुछ इस तरीके से, हम इसमें दे देंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। इसको हम यहाँ पर रखने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको रखेंगे और यहाँ से फिर से हम इसका कलर चेंज कर देंगे, जैसा कि तरीका मैंने आपको पहले बताया था। कोई भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें रेड रख लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से बीच में फिक्स कर देंगे। इसी की एक और कॉपी हम बनाएंगे। कॉपी बनाने के लिए आपको पहले सीन वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक कॉपी का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करके इसके नीचे कुछ इस तरीके से आप लगा देंगे ताकि देखने में ये अच्छा लगे। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से चले जाना होगा फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन में। जाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको 3 लाइन देखने को मिलती है, इस पर आप क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपके मोबाइल की लाइब्रेरी में आपको लेकर के चले जाते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ जाता है एक एल्बम का ऑप्शन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके मोबाइल की जो लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाती है। अब यहाँ से जैसे कि हम शुरू में ये माँ वाली एक डीपी है कुछ इस तरीके से, हम इसको ले लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको हम इस तरीके से छोटा कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको जैसे ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीच वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आ जाता है एक स्ट्रोक का ऑप्शन, देख सकते हैं स्ट्रोक वाला, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं इसको अनेबल कर देंगे। कलर यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी ले लेंगे, इस तरीके से जैसे कि हमने इस तरीके से ग्रीन कलर ले लिया है। उसके बाद हमें राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद अब हम दूसरी डीपी ले लेंगे कुछ इसी तरीके से, जैसे कि हमने पहले ये ली है इसी तरीके से हम दूसरी डीपी ले लेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं एक ये ले लेंगे जेल वाली इस तरीके से, और इसको भी यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे और इसकी भी स्ट्रोक हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे जिस तरह के हमने ऊपर की बढ़ाई है। तो यहाँ पर रख करके इसकी भी स्ट्रोक हम इस तरीके से बढ़ाएंगे जैसे कि हमने पहले बढ़ाई है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसकी स्ट्रोक बढ़ा दी है। अब इसी तरीके से मोबाइल की लाइब्रेरी में जाएंगे और एक PNG ले लेंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ़ोटो अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं और बाकी जो PNG है इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर इसकी भी हम कॉपी करेंगे इसी तरीके से और यहाँ पर हम इसको लगा देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा दी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से हम टैक्स में जाएंगे और यहाँ पर इसमें लाइक लिख देंगे या जो भी आप लिखना चाहते हैं। इस तरीके मैंने यहाँ से लाइक लिख दिया इसके सामने। इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, इंग्लिश का भी फॉन्ट अच्छा होना चाहिए दोस्तों, तभी आपकी वीडियो अच्छी लगती है। ए पर हम क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं ए बी फॉन्ट में जाएंगे इसी तरीके से, और यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं, इनमें से हम कोई भी ले लेंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ पर और अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर हम सेट करेंगे।
इसका भी कलर हम चेंज कर देंगे, कलर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से कलर ले सकते हैं। कलर यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इसी की कॉपी करके हम यहाँ पर इसमें रखेंगे और इसमें यहाँ पर फॉलो हम लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से फॉलो भी लग चुका है। तीर का जो निशान है आप इनको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इसको छोटा करके फिर लगाना चाहिए यहाँ पर। अगर आपकी जो इंस्टा है उसमें आपकी वीडियो पूरी नहीं आ रही है, कुछ हिस्सा कट रहा है, तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं छोटा बड़ा करके अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इतना लगा के आपको दिया है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आप जो भी डालना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, क्लिक कर देने के बाद से वैसे इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ से कस्टम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, सबसे नीचे देख सकते हैं अल्ट्रा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। सेव टू गैलरी आप करेंगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक और ऐप की जिसका नाम है कैप कट, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इसको ओपन करने से पहले आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी, आप कोई भी वीपीएन डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और उसको ऑन करेंगे। उसके बाद आपको कैप कट एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा। ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वीडियो एंड फोटो। तो यहाँ पर ये जो फोटो वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके आपने जो पिक्सेल लैब में बनाई है आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। ऐड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ऐड हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आखिर में आपको एक वाटरमार्क देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक डिलीट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने जो ऐड की है आपको उस पर क्लिक करके इसकी लेंथ को बढ़ा लेना होगा, जितनी भी आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से उतनी आप रख सकते हैं। उसके बाद बैक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये बैक हो जाएगा। बैक हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा वीडियो इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर आपको दो ब्लर देखने को मिल जाते हैं, एक है डायमंड जूम और एक है हेलो ब्लर। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें लेने वाला हूँ डायमंड जूम कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एडजस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको अच्छे तरीके से सारी की सारी सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इतना साइज़ हम इसका रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो स्पीड है इसकी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इतनी एडजस्ट करेंगे 28। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, सिंपली आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको आप जूम करके अपने हिसाब से देख सकते हैं कितनी देर आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें रखना चाहता हूँ इस तरीके से 2-2.5 सेकंड के आसपास। उसके बाद हम इसको देखेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से बैक हो जाना होगा। हो जाने के बाद यहाँ पर फिर से आपको बैक हो जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, एक आइडियो का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको एक फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी किसी भी वीडियो में कोई भी म्यूज़िक हो जो भी आप लगाना चाहते हैं उस पर आपको इस तरीके से क्लिक करके नीचे ऐड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आकर के ये सेट हो जाएगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से इसमें यहाँ पर म्यूज़िक भी लग चुका है। अब आपको डायरेक्टली ही यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की वीडियो में, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।